तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। काफ़ी कुछ अपडेट्स होने वाले हैं वीडियो के अंदर, अलग अलग कंपनीज़ की बहुत सारी अपडेट्स। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें आज की NXT के शो के बारे में। तो आज का NXT का शो यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी कुछ अच्छे मैचेस थे, रेसलिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और जो उनका स्पेशल शो आने वाला है यहाँ पर न्यू ईयर्स ईविल, उसको लेके हमें कुछ मैचेस कन्फर्म होते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो टोमासो चेम्पा और ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड चल रही है, ये काफ़ी कह सकते हो अच्छी हो चुकी है। और WWE ने इनका जो मैच है वो NXT न्यू ईयर ईविल के लिए यहाँ पर कन्फर्म कर दिया, यानी कि जो इनका रीमैच है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को तो देख के मुझे यहाँ पर लग रहा है कि चैंपियन बिल्कुल यहाँ पर वो बन सकते हैं। चैंपियन वाली क्वालिटी उनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, किस तरीके से आज उन्होंने टोमासो चेम्पा को एकदम मतलब उठा दिया। जो मिलिट्री प्रेस यहाँ पर हम करते हैं उस तरीके से यहाँ पर टोमासो चेम्पा को उन्होंने उठा दिया। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें न्यू ईयर्स ईविल के अंदर न्यू चैंपियन देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल ब्रॉन ब्रेकर के अंदर मुझे वो वाली क्वालिटी दिखाई भी दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर NXT वुमेन चैंपियनशिप का भी मैच कन्फर्म हो चुका है, जहाँ पर एक ट्रिपल थर्ड मैच हमें देखने को मिलेगा। मैंडी रोज यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी रैकेल गोंजाल्वेस और कोरा जेट के अगेंस्ट। तो इनका हमने आज देखा था यहाँ पर जो रैकेल गोंजाल्वेस है उनका मैच हुआ था यहाँ पर डकोटा काई के साथ में, काफ़ी अच्छा मैच था, स्ट्रीक फाइट इनके बीच हमें देखने को मिली थी। मैं आपको बोलूँगा इस मैच को आप जाके देखना, यहाँ पर मैच ऑफ द नाइट यही था, काफ़ी बढ़िया एक्शन हमें इस मैच के चलते देखने को मिला। मैच के बाद यहाँ पर वो मैंडी रोज को कॉल आउट करती हैं, कोरा जेड भी वहाँ पर आती हैं, और हम देखते हैं मैंडी रोज तो वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन वो आके बताते हैं कि यहाँ पर न्यू ईयर सिविल के अंदर इनका ट्रिपल थर्ड मैच होगा। तो ये मैच यहाँ से कन्फर्म हो चुका है। और बात की आज का पूरा जो शो था, मुझे एक एवरेज सा शो लगा, कुछ अच्छी चीज़ें थी, बाकी ठीक ठाक सा एपिसोड था। मेन इवेंट के अंदर हमने देखा था पीट डन और टोनी डी एंजेलो का मैच हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर आज के NXT के शो में एजे स्टाइल्स भी आए थे, मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था एजे स्टाइल्स यहाँ पर आज के शो के अंदर आने वाले हैं, और उनका फेस ऑफ हुआ था यहाँ पर ग्रेसन वॉलर के साथ में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर NXT के कुछ प्लान्स है कि शायद यहाँ पर एजे स्टाइल्स का जो मैच है वो करा सकते हैं न्यू ईयर सिविल के एपिसोड के अंदर, यानी कि एजे स्टाइल्स वैसे ग्रेसन वॉलर का मैच हमें देखने को मिल सकता है NXT का ये जो शो आने वाला है न्यू ईयर सिविल इसके अंदर। अभी तो हम जानते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर उनका मैच होने वाला है ओमोस के साथ में, लेकिन NXT यहाँ पर ट्राई कर रही है मेन रोस्टर के सुपरस्टार को उनके शो के अंदर लाने की, जिससे यहाँ पर उनकी व्यूअरशिप और रेटिंग में उनको फ़ायदा हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, अभी जो मैट रिडल हैं वो भी यहाँ पर NXT के शो के अंदर अपीयर हो रहे हैं, जहाँ पर उनके कुछ स्टोरी चल रही है यहाँ पर MSK के साथ उन्होंने टीम अप करा हुआ है। तो यहाँ पर रिडल भी आ रहे हैं NXT के अंदर, एजे स्टाइल्स भी आ गए, और कुछ टाइम पहले हमने देखा था 2020 में 2019 में मेन रोस्टर के काफ़ी सारे सुपरस्टार यहाँ पर NXT के अंदर आते थे, जिससे यहाँ पर NXT को फ़ायदा हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर NXT फिर से ट्राई कर रही है। तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है कि अगर सुपरस्टार्स के साथ कुछ हो नहीं रहा है तो NXT के अंदर उनको थोड़े टाइम तक यहाँ पर कुछ स्टोरी लाइन दी जाए, और ये परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि परमानेंट ये सुपरस्टार NXT के ऊपर जा चुके हैं, कुछ स्टोरी लाइन देने के बाद मैचेस देने के बाद वापस से अपने ब्रांड के ऊपर आएंगे। तो ये कुछ सीन चल रहा है अभी, बाकी जो मैचेस है वो मैंने आपको बता दिए न्यू ईयर सिविल के लिए कन्फर्म हो चुका है, और देखेंगे हमें वो वाला एपिसोड कैसा देखने मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और मैच शायद हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें देखने को मिलेगा रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और कार्मेलो हेस के बीच में, और यहाँ पर ये मैच होने वाला है टाइटल यूनिफिकेशन मैच, यानी कि जो क्रूजर वेट टाइटल है और नॉर्थ अमेरिकन टाइटल है ये दोनों टाइटल शायद एक होने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिलेगी। तो शायद यहाँ पर जो NXT है वो इन दोनों चैंपियनशिप को एक करने वाली है और कोई न्यू टाइटल हमें देखने को मिले, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है भाई अभी NXT के अंदर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें न्यू ईयर्स ईविल के एपिसोड के बाद ही देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की एजे स्टाइल्स के बारे में, तो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर एजे स्टाइल्स और ओमोस का जो हमने ब्रेकअप देखा था कल की रॉ के अंदर हुआ था, रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर कि WWE के पास इन दोनों के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, और दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग प्लान्स हैं, यानी कि 2022 के अंदर एजे स्टाइल्स और ओमोस के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स हैं WWE के पास, और यहाँ पर ये रॉयल रंबल से रसलमेनिया तक यहाँ पर कुछ चलने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पर सोच के ऐसा लग रहा है कि अगर रॉयल रंबल से रसलमेनिया तक अगर उसको सीन जाने वाला है तो थोड़े टाइम तक WWE की फ्यूड दिखाएगी और उसके बाद हमें इनका कुछ सेपरेटी देखने को मिलेगा। और जो रसलमेनिया तक मुझे लग रहा है वो है एजे स्टाइल्स और एज का मैच, और हो सकता है रसलमेनिया के अंदर जहाँ पर जो ओमोस हैं वो आंद्रे द जाइंट बैटल रॉयल होता है उसको जीत जाए, बिल्कुल यहाँ पर वो जाइंट सुपरस्टार हैं, तो WWE इनको यहाँ पर ऐसा कुछ बड़ा मौका भी दे सकती है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है। बाकी अभी तो हम जानते हैं इनका नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है,
उसके बाद इनके बीच की आगे की कहानी हम देखेंगे, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है। अगली अपडेट की बात करें तो गाइज, अगर आप NJPW देखते हो, रसल किंगडम आपको पसंद है, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ कुछ भी अपडेट्स आती हैं NJPW को लेके, तो मैं आपको बता देता हूँ रसल किंगडम उनका सबसे बड़ा, साल का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर आने वाला है, और उसको लेके यहाँ पर NJPW ने काफ़ी सारे न्यू मैचेस यहाँ पर कन्फर्म कर दिए हैं दोनों ही नाइट्स के लिए, जो कि जनवरी 4 और 5 जनवरी को होगा। और ये कुछ मेन इवेंट निकल के आ रहे हैं जहाँ पर नाइट वन का मेन इवेंट होने वाला है काजुचिका ओकादा वर्सेस सिंगो ताकाजी के बीच में, यहाँ पर ये उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। और जो नाइट टू के अंदर मैच होगा वो हमें देखने को मिलेगा, ओकादा और ताकाजी के मैच का विनर यहाँ पर फेस करेगा विल ऑस्प्रे को। तो ये दोनों ही नाइट्स के मेन इवेंट होने वाले हैं, बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आप NJPW को देखते हो यहाँ पर नहीं, नीचे कमेंट करके बताना, और बताना अगर आप देखते हो तो ऐसी अपडेट्स यहाँ पर मैं आने वाली वीडियोस के अंदर और कवर करूँ या फिर नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अभी स्मैकडाउन के शो के अंदर तो आ ही रहे हैं, उनकी फ्यूड चल रही है यहाँ पर रोमन रेंस के साथ में, लेकिन ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिल सकते हैं WWE के लाइव इवेंट्स के अंदर। लाइव इवेंट्स यहाँ पर हम जानते हैं WWE अलग अलग सिटीज़ में जाके कराती है, लेकिन वो टेलीविज़न के ऊपर तो आते नहीं है। लेकिन यहाँ पर WWE अभी क्या कर रही है, अभी जो उनका अगला लाइव इवेंट आने वाला है, मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा दूंगा, ये उनका लाइव इवेंट आने वाला है, इसके अंदर एडवर्टाइज़ कर रही है ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का एक मैच बताया जा रहा है, जो कि ड्रू मैकइंटायर फेस करेंगे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के डे वन के विनर को यहाँ पर इस लाइव इवेंट के अंदर। तो WWE शायद यहाँ पर लाइव इवेंट्स के अंदर लेके आ रही है ब्रॉक लेसनर को, या फिर वो अपनी टिकट्स वगैरह को सेल करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर समर स्लैम के अंदर जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था तो इनकी न्यू डील साइन हुई थी, और जिसके अंदर WWE ने शायद लाइव इवेंट्स वगैरह भी डाले थे, जिससे यहाँ पर वो ब्रॉक लेसनर को लेके आए लाइव इवेंट्स के अंदर। और रीज़न WWE का यही होता है, जिससे यहाँ पर जो उनके लाइव इवेंट्स की टिकट वगैरह हैं वो सेल हो जाएँ, ब्रॉक लेसनर आएंगे तो यहाँ पर टिकट्स में उनको यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो अभी ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं लाइव इवेंट के अंदर, लेकिन ड्रू मैकइंटायर का तो मैच फिक्स है यहाँ पर। अब वो किसके साथ होगा, रोमन रेंस के साथ या ब्रॉक लेसनर के साथ, ये तो नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना कि अगली फ्यूड यहाँ पर रोमन रेंस की स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है ड्रू मैकइंटायर के साथ, तो ये भी उसी चीज़ को लीड कर रहा है कि यहाँ पर डे वन के बाद यहाँ पर रोमन रेंस शायद फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को लाइव इवेंट्स के अंदर, और रॉयल रंबल तक इनकी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का डे वन के अंदर जो मैच होने वाला है वो भी सही तरीके से एंड नहीं हुआ, तो WWE फिर यहाँ पर रसलमेनिया के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच भी करा सकती है, जो कि इसको लेके भी रूमर्स हैं कि ये वाला ट्रिपल थ्रेड मैच, यानी कि रोमन रेंस वैसे ड्रू मैकइंटायर वैसे ब्रॉक लेसनर का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा मैच होगा रसलमेनिया के अंदर अगर यहाँ पर WWE कराती तो, लेकिन अभी तो आगे का ये सीन है, डे वन आएगा उसके बाद ही हमें सारी चीज़ों का पता चलेगा। कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर डे वन के बाद यहाँ पर कौन चैंपियन होगा और ड्रू मैकइंटायर किसको फेस करेंगे। आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।